तो आज आपको अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू मिलने वाला है बोट रॉकर्स 255 प्रो का। तो इसको मैंने ऑर्डर किया अमेज़ोन के रिपब्लिक डे सेल में, जिसमें इसका प्राइस 1100 रुपीज़ है। तो फिर बिना टाइम गवाए सीधा अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। फटाफट अमेज़ोन की कार्डबोर्ड पैकेजिंग को ओपन करते हैं, तो उसके अंदर हमारे नेक बैंड का बॉक्स मिल जाता है, जिस पे कुछ इसके फीचर्स के बारे में लिखे हुए हैं। तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमें नेक बैंड मिल जाता है हमारा, और साथ ही में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाती हैं। तो एक्स्ट्रा चीज़ों में सबसे पहले इसमें USB केबल मिल जाती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है 1 साल की वारंटी के साथ। साथ में आपको एक एडिशनल डॉक्यूमेंट मिलती है, जिसमें एडिशनल बोट के प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है। और साथ में आपको एक छोटा सा बोट हेड लिखा हुआ स्टिकर मिल जाता है। साथ में एक डॉक्यूमेंटेशन भी है, जिसमें इसके और एडिशनल फीचर के बारे में लिखा गया है। और साथ में कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप भी मिल जाती है, स्मॉल और लार्ज साइज के लिए। अब हम सीधा आते हैं अपने नेक बैंड की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ हम नोटिस करेंगे जब इसको हाथ में लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। इसका वेट लगभग 27-28 ग्राम वेट है इसका। और अगर हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। चाहे स्ट्रिंग्स की बात करें, चाहे इसके फ्लैट केबल्स के बारे में बात करें, काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। और ईयरबड, जहाँ तक मुझे लगता है, ये प्लास्टिक और मेटल का कॉम्बिनेशन है। और इसमें भी आप बाकी नेक बैंड की तरह मैग्नेट मिल जाता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगाने के बाद आसानी से नहीं निकलने वाला। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी लाउड साउंड है। और साथ ही अगर लेटेंसी के बारे में बात करें, तो नॉर्मल वर्क में जैसे यूट्यूब वाचिंग या फिर जो स्मॉल कोई छोटे मोटे गेम है, उसमें बिल्कुल भी लेटेंसी का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आप जैसे पबजी जैसे अगर उनमें ट्राई करोगे, तो उसमें पक्का लैग मिलेगा ही। और अगर अब हम बात करें कि ये कितनी देर तक साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये इसका बैटरी बैकअप कंपनी अप टू 10 आवर तक बताती है। लेकिन इसका लगभग मुझे लगभग 6-6.5 घंटे इसका बैटरी बैकअप मिल जाता है आराम से। और अब बात करें कि बैटरी ख़त्म होने के बाद क्या, तो फिर इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इसको इस पूरे 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज कर सकते हैं। और साथ में अगर इसको आप 15-20 मिनट भी चार्ज करते हैं, तो आपका 2-2.5 घंटे आराम से चल जाएगा ये। इसमें आपको साथ में टू डिवाइस कनेक्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें जिसे आप इसको एक साथ दो डिवाइस के साथ पेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल और लैपटॉप में एक साथ इसको कनेक्टेड है, तो मोबाइल में पॉज करके लैपटॉप में प्ले कर पाएंगे, और लैपटॉप में पॉज करके मोबाइल में प्ले कर पाएंगे। अगर एक डिवाइस से कनेक्टेड और उसमें मीडिया प्ले हो रहा है, तो दूसरे में अगर हम प्ले करेंगे तो साउंड नहीं आएगा, उसके लिए हमें पहले को पॉज करना पड़ेगा। अगर हम इसकी यूजेबिलिटी के बारे में बात करें, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसके साथ हमें ये रबर, सॉफ्ट रबर हुक भी मिल जाते हैं, जिससे अगर हम इनको लगाएंगे तो ये निकलेंगे नहीं। इसमें आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं, जिसमें आप बीच वाले को पावर ऑन ऑफ या म्यूज़िक प्ले पॉज करने के लिए, और बाकी दो को वॉल्यूम कम ज़्यादा और ट्रैक को प्रीवियस नेक्स्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए आपको सिर्फ एक बार प्रेस करना है इसको एक बार, और अगर आपको ट्रैक चेंज करना है, तो आपको थोड़ी देर इसको दबाए रखना होगा। तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की तरफ जाएं भी, क्या ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा हाँ, काफ़ी अच्छे ईयरबड है। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि मतलब फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन आप इसको जैसे मर्जी अपनी जेब में नहीं डाल सकते, क्योंकि इसलिए आप इसको कुछ इस तरह करके अपनी जेब में ज़रूर डाल सकते हैं। नॉर्मल डेज़ में ये और मतलब नेक बैंड और हेडफोन और इनमें ऐसा नॉर्मल डेज़ में जो अमेज़ोन में प्राइस होती है इनकी, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि सेल में ये काफ़ी सस्ते मिलते हैं। तो अगर आपको ख़रीदना है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसी सेल में ख़रीद लें, या फिर अभी सेल नहीं चल रही है तो कुछ समय वेट कर सकते हैं, ज़रूर करें। बाकी इस नेक बैंड का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप बाय कर सकते हैं।